बुधवार को खेती किसानी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इनके निराकरण की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा और चुनाव बहिष्कार का निर्णय भी किसान ले सकते हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की जिला युवा इकाई के अध्यक्ष ऋषिराज पटेल, सूरज जाटव, कमल सिंह, अंकुर सेन, सुशील आदि ने बताया कि एक वर्ष से अधिक समय से 250 से अधिक किसानों का 6 करोड़ रुपए के लगभग का भुगतान बाकी है। पिछले वर्ष किसानों ने चना मसूर पर बेचे गए भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा है। अनेक बार किसान आवेदन निवेदन कर आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन असंवेदनशील और लापरवाह बना हुआ है। वहीं धान, उड़द, मूंग और गन्ने का भुगतान भी महीनों से लंबित है। भुगतान न होने के कारण किसान आर्थिक रूप से अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय के समक्ष हमने किसानों की गंभीर समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों के भुगतान को लेकर जो लगभग एक साल से चना मसूर एवं गन्ने के भुगतान बकाया हैं, उड़द मूंग धान जैसी महीनों से उनकी राशि लंबित है जिनको भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण किसान शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और उनको बाहर से अधिक दर पर राशि कर्ज में लेनी पड़ रही है, जिससे उनको बहुत परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही हमने 8 से 10 समस्याएं, जो गंभीर समस्याएं हैं किसानों की, वो हमने कलेक्टर महोदय के समक्ष रखी हैं। यदि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण नहीं किया जाता है तो हम सभी पीड़ित किसान मिलकर शासन और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे और ये होने जा रहे इस लोकसभा चुनाव का हम सभी पीड़ित किसान मिलकर बहिष्कार भी कर सकते हैं।